हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण और सनशाइन विद किरण में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ महाराष्ट्र में मकर संक्रांति पे बनने वाली मिक्स भाजी, जिसको भोगीची भाजी भी कहते हैं, यानी भोग की भाजी इसको कहते हैं। तो यही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। तो ये ले लिए मैंने बहुत सारी सब्जियाँ, तो जिसमें मैंने ली है पापड़ी, गवड़ा, ये चारों बीन्स की ही वैरायटी होती है जो मैंने ले ली है। ये है हरा कांदा, गाजर, कद्दू, हरी मटर, फूलगोभी, टमाटर, बेर और हरबरा यानी कच्चा चना। तो इस चने को हम इस तरह से छील के इस तरह से अलग कर लेंगे और ये सब्जियां हम छील के बीज अलग करके बारीक बारीक कट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कीड़े भी होते हैं। तो पहले इनको अच्छे से धो के बीज से फाड़ के चेक कर लें और फिर भाजी हम बारीक बारीक टुकड़ों में काटेंगे। तो ये हमारी सारी सब्जियां कट के तैयार हो चुकी हैं। इस तरह से आप भी सारी सब्जियां काट लीजिए। तो अब हम बनाएंगे मसाला, एक होममेड मसाला है और ये है करला। ये महाराष्ट्र में स्पेशली मिलता है और ये देखने में तिल के जैसा होता है। तो इसको हम ले लेंगे और इसको हम पहले छान लेंगे, क्योंकि इसमें बारीक बारीक कंकर पत्थर रहते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा छन्नी से छान के साफ कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे इसको छान लिया है, साफ कर लिया है। तो अब हम इस करला को कम आंच में मीडियम फ्लेम पे या इसको भूजेंगे यानी क्रिस्पी करेंगे इसको, और इसको जलाना नहीं है, एकदम कम आंच में इसको भूजें। और इसको भूजते समय ही मैंने इसमें डाली है 5 लाल मिर्च। ये नॉर्मल घर में मिलने वाली लाल मिर्च हैं, क्योंकि ये मसाला थोड़ा तीखा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 5 लाल मिर्च इस्तेमाल करी है और ये हमारा करला भुज के तैयार हो चुका है। तो इसको हम निकाल लेंगे अलग। तो ये मसाला ठंडा हो चुका है अभी, तो इसको हम डाल लेंगे अब मिक्सर में। तो इसके साथ डाला है हमने ये नमक, इसको करकच नमक भी बोलते हैं, यानी ये मोटा नमक है। तो ये हमने 2 बड़े चम्मच नमक इसमें डाला है और इसको हम अब बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर और डाला है, क्योंकि ये थोड़ा तीखा कम हो रहा था, तो इसको तीखा, अच्छा तीखा होना चाहिए, तो सब्जी में अच्छा टेस्ट आता है। तो ये हमारा करला का नमक पीस कर तैयार हो चुका है। और बाकी की चीज़ों में ये है कच्ची मूँगफली, ये है तिल, सफ़ेद तिल, और ये है सींगदाना कूट, सादा नमक, कांदा गोड़ा मसाला और काला नमक और गुड़। ये काला नमक हमारा होममेड जो अभी हमने तैयार किया था वही है। तो अब हम बनाएंगे सब्जियाँ। तो सब्जियों में हमारे बैंगन रह गए थे, तो अभी हम इसके बैंगन भी काट के डाल लेंगे। तो अब हमने हांडी चढ़ा ली है और इसमें डाले हैं हमने 3 से 4 चम्मच तेल। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गर्म हो जाए तो हम तिल डालेंगे और तिल को कम आंच में थोड़ा सा पका लेंगे या इसको थोड़ा सा भूज लेंगे। बिल्कुल इस तरह से। तो अब डालेंगे हम हरा कांदा। तो हरा प्याज यहाँ पे हमने डाल लिया है और इसको हम अच्छे से भूजेंगे, पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। और अब डालेंगे हम इसमें टमाटर। टमाटर हम अच्छे से नरम होने तक पकाएंगे। स्वाद अनुसार नमक यहाँ पे हमने डाल दिया है और 1/2 चम्मच हल्दी। तो इसको भी हम अच्छे से पकाएंगे। तब तक हम इसको कम आंच में पकाएंगे जब तक टमाटर हमारा बिल्कुल गल न जाए। तो अब हमने डाला है ये
गोड़ा मसाला जिसको कांदा लहसुन मसाला भी कहते हैं, ये हमने डाला है 1.5 चम्मच। और ये है करला का नमक जो हमने अभी अभी पीस के तैयार करा था, तो 2 से 2.5 चम्मच हम इसको भी डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे और कम आँच पर इसको भी पकाएंगे। ये 1 टेबलस्पून हमने धनिया पाउडर डाला है यहाँ पर। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारे सारे मसाले अच्छे से पक जाए, और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि मसाला तेल न छोड़ दे। तो देखिए यहाँ पर मसाला तेल छोड़ चुका है, तो अब डाल देंगे हम अपनी सारी सब्जियाँ। तो सारी सब्जियों को मसाले के साथ अच्छे से मिला लीजिए, सारी सब्जियों पर मसाले की अच्छे से कोटिंग हो जाए। तो देखिए ये अच्छे से मसाले सब्जी आपस में मिल चुके हैं, और इसको कम आंच पर थोड़ी देर इसी तरह से हिलाते हुए पकाइए। तो इसमें डाला है हमने 1 कप पानी। इसके साथ ही हम इसमें अब डालेंगे बेर। इस सब्जी में बेर भी डाले जाते हैं, ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं, तो जरूर बेर डालिए। तो अब हम अपनी सब्जी को लगा देंगे ढक्कन और 15 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। तो 15 मिनट बाद हम देखेंगे, 15 मिनट में लगभग ऑलमोस्ट सब्जियां पक जाती हैं, तो चेक कर लेंगे कि सब्जियां सारी पकी है कि नहीं पकी है। तो सब्जियां हमारी पक चुकी हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है गुड़। तो गुड़ को अच्छे से मिला लीजिए। और ये है सिंगदाना कूट, तो इसको भी हम मिला देंगे। और थोड़ा सा 1/2 चम्मच वाइट तिल। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे कच्ची मूंगफली। तो ये सारी सामग्री डालने के बाद, इन सब को अच्छे से मिलाने के बाद, हम 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ेंगे। और 5 से 7 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं और अब हमारी सब्जी बनकर तैयार है। तो अब हमने डाल दिया है इसमें हरा धनिया। तो ये हमारी लगभग भाजी पक चुकी है और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरह से हमारी सब्जी दिख रही है, यानी भोगीची भाजी। तो ये हमारी भोगीची भाजी तैयार हो चुकी है, यानी भोग की भाजी इसको कहते हैं, मराठी में बोलते हैं भोगीची भाजी। ये बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है और हेल्दी तो होती ही होती है। तो आप भी ज़रूर बनाइए अपने घर में। और महाराष्ट्र में ये मकर संक्रांति पे स्पेशली बनाई जाती है, भगवान को भोग लगाया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कीजिए, और इस तरह की वीडियो आप फिर से देख सके तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करते करते बेल भी ज़रूर बजाइएगा, इससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर मिलूंगी आपसे दूसरी वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय माता रानी।